Hello, assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. If you like the video, so watch till the end and don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Guys, कार सारे हादसे के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, जिसमें हम ना आरिफ और उनके वालिद बुरी तरह से मारे जा चुके थे। कराची यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म जो कि नताशा दानी, जो कि गुल अहमद, जो कि पाकिस्तान के मशहूर मारूफ बिजनेस मैन है कि बहू कहलाती है, नताशा दानिश की एक्सीडेंट करने की वजह से 5 लोग मजीद ज़ख्मी हुए थे, जिसमें आमना आरिफ और उनके वालिद भी शामिल थे। मगर आपको बता दें चलिए कि पाकिस्तानी अदाकारों ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए जाहिर किया है कि और दिखाया भी गया है कि नताशा दानिश जो कि गुल अहमद की बहू है, उन्होंने अपना केस इस तरह से वतन किया है कि उन्होंने आमना आरिफ के भाई यानी कि उसामा आरिफ को एक अच्छी जॉब के साथ एक अच्छी खासी सैलरी की रकम देने का भी वादा किया है। उन्होंने नताशा दानिश के ऊपर किया हुआ केस वापस भी कर लिया है। आपके इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको एक बार फिर से आगाह करते चले और बताते चले कि आमना आरिफ कराची की रिहाइश पजीर थी और वो कराची में इकरा यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म थी और अपनी तालीम मुकम्मल कर रही थी। जिस दौरान ये हादसा पेश आया तो वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चे में रही। नताशा दानिश को देखा गया तो काफ़ी ज़्यादा नशे में लग रही थी, जबकि इनके रिपोर्ट्स में साफ जाहिर किया जा रहा था कि इनकी यूरिन में और खून के ब्लड सैंपल्स में काफ़ी ज़्यादा मकदार में ड्रग्स और कोकेन पाए गए हैं, जो कि नशावर दवाएँ हैं। और उन्होंने साथ ही मीडिया के सामने और तमाम अफवाज के सामने ये भी कहा कि आप मेरे बाबा को नहीं जानते, अगर आपको वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट पर ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन, जिससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।